कोरोना के बढ़ते मामलों के रोकथाम के लिए लगातार प्रशासन के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। इधर आज मंगलवार भी इसी कड़ी में भारत भूटान सीमावर्ती शहर जयगांव में हुए साप्ताहिक बंदी के बीच आज जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जयगांव के बाजारों में दमकल विभाग के सहयोग से सैनिटाइजर किया गया है। जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन गंगा प्रसाद शर्मा ने कहा कि जेडीए विभाग के पहल में जयगांव शहर को कोरोना से सुरक्षित रखे जाने को लेकर शहर में सैनिटाइजर किया गया है। उन्होंने कहा कि जयगांव के भूटान गेट के निकट जयगांव थाना परिसर, एनएस रोड, सुपरमार्केट, बाजार आदि इलाके में पहुंच सैनिटाइजर किया गया है। जयगांव को सैनिटाइजर किए जाने का कार्य जेडीए विभाग के एओ हुसैन शेरपा की अगुवाई में किया जा रहा है। इधर जेडीए के एओ हुसैन शेरपा ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जयगांव में साप्ताहिक बंदी यानी प्रत्येक मंगलवार को दमकल विभाग के सहयोग से जयगांव के विभिन्न जगहों में सैनिटाइजर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज इसी का शुरुआत जयगांव शहर में किया गया है। इसी तरह प्रत्येक मंगलवार जयगांव शहर के विभिन्न हिस्से को सैनिटाइजर किया जाएगा। कोरोना से लोगों को सुरक्षित रखे जाने को लेकर प्रशासनिक रूप से हर कार्य किया जा रहा है। नहीं, एक्चुअली हमारे पहले से ही चेयरमैन साहब से मेरा बात हुआ था और हमने प्लानिंग करके रखे थे कि ब्लॉक प्रशासन के तरफ से एवरी माने ट्यूसडे जयगांव पूरा बंदा बाजार बंद हो रहा है, इसलिए उसी दिन एक समय निकाल के हम लोग फायर ब्रिगेड से रिक्वेस्ट करेंगे। फायर ब्रिगेड रिक्वेस्ट करने के बाद में वहाँ से हम लोग एक पूरा मार्केट जैसे एनएस रोड जहाँ पर लोग का प्रचुर भीड़ रहता है और एमजी रोड में वहाँ पर सैनिटाइज का प्रोग्राम करें और इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट से जो सोडियम फॉस्फेट देकर उन लोगों ने बहुत सहायता किया है हम लोगों को और उसे टैंक में हमने भर दिए। फायर ब्रिगेड के ऑफिसरों को हम लोग आगे ही धन्यवाद देते हैं और इसी तरह प्रशासन की तरफ से हम लोग सैनिटाइज का काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जेडीए की तरफ से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्रत्येक जयगांव वासी को कि आप लोग भी जो प्रोटोकॉल है माने कोविड का प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क लगाना, ये आप लोग जरूर करें। आप लोगों को कर्तव्य है, आप लोगों का काम करना हमारा कर्तव्य, हम लोग करेंगे और सब मिल के ये कोविड के माने युद्ध में हम जीत पाएंगे। नहीं, एक्चुअली हम लोग सुपर मार्केट उधर भी जाएंगे और बड़ा गाड़ी होने के कारण बीच बीच गली में तो नहीं जाएगा, इसलिए हमारा एक एजेंसी है जीएमटी, उनको भी कहीं इमरजेंसी हो तो हम लोग उनको भी लगा के हम काम कर सकते हैं। अभी ये जो फायर ब्रिगेड का गाड़ी और एक इमरजेंसी ऐसा हुआ है कि फायर ब्रिगेड का गाड़ी अभी जाएंगे में एक ही है, इसीलिए उनको भी हम दिन भर स्पेयर नहीं कर सकते। इनके सब इमरजेंसी यदि कहीं कहीं दुर्घटना हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए उनको दो तीन घंटा हमको दिया है, रिक्वेस्ट किया है, दो तीन घंटे में हमको ये पूरा एनएस रोड और एमजी रोड में साफ कराना है। आज हम लोग जेडीए की ओर से एमजी रोड और एनएस रोड दोनों जगह फायर ब्रिगेड का गाड़ी में और केमिकल डाल करके सैनिटाइज करने का कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि यहाँ यदि किसी तरह का वायरस टायरस हो तो वो मर जाए, जयगांव के लोगों को थोड़ा राहत मिले। इसके लिए विशेष हमारे एईओ साहब कई दिन से लगे हुए थे इसमें, तो आज हम लोग ये काम कर रहे हैं। किचन गैलरी, एक्सक्लूसिव शोरूम फॉर मॉड्यूलर किचन, एक्वेरियम, फिश एंड पेट्स, लास्ट कॉर्नर, एमजी रोड, जयगांव।